हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ पनीर भुर्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है। अब हम इसे हाथ से क्रम्बल कर लेंगे। अब हम पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसमें 50 ग्राम बटर डाल देंगे। अब इसमें मैं 3 कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम थोड़े से पिंक कलर होने तक अच्छे से पका लेंगे। अब प्याज पक चुके हैं, इसमें हम 2 कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, 3 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच ही धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने क्रम्बल किया था पनीर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 1/4 कप दूध ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। अब इसमें मैं 2 चम्मच अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे मिक्स करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब ये पनीर की भुर्जी बनकर एकदम तैयार है। इसे हम सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप ब्रेड, रोटी या कुलचा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। अभी हमारी पनीर की भुर्जी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।